नमस्कार। इकोलॉजी पर व्याख्यान की श्रृंखला में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे, इकोसिस्टम अथवा पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1935 में किया गया। इकोसिस्टम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इको, जिसका अर्थ होता है एनवायरनमेंट अथवा आसपास का वातावरण। दूसरा शब्द है सिस्टम अथवा तंत्र, जिसका अर्थ यहाँ पर इंटरैक्शन या अंतरक्रिया से है। तो इकोसिस्टम पर्यावरण के सभी जैविक व निर्जीव घटकों की अंतरक्रिया से बना तंत्र है। इस तरीके से द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट कंपोज्ड ऑफ कंसिस्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंतर्गत जीव के चारों तरफ उपस्थित वातावरण तथा विभिन्न जीवों के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी की बेसिक फंक्शनल यूनिट भी माना जाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न घटकों के मध्य रिलेशनशिप को समझने के लिए हम इस चित्र का सहारा ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम में एनर्जी का स्रोत सूर्य से प्राप्त होने वाली सोलर एनर्जी है। सूर्य से प्राप्त होने वाली सोलर एनर्जी को पादप अपने अंदर उपस्थित क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से तथा सरल अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से ट्रैप कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह सोलर एनर्जी फूड एनर्जी में बदल दी जाती है। अब प्लांट्स के द्वारा अथवा उत्पादकों के द्वारा बनाई गई इस फूड एनर्जी का उपयोग विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, जिन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी अथवा सर्वाहारी के नाम से भी जाना जाता है। पादपों तथा उपभोक्ताओं की या उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात यह मृदा में मिल जाते हैं। मृदा में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अपघटक पादपों तथा उपभोक्ताओं में जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पोषक पदार्थ तथा सरल अकार्बनिक पदार्थ पुनः वातावरण में मुक्त हो जाते हैं तथा फिर से पादपों तथा उपभोक्ताओं के द्वारा इनका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी पर्यावरण में जैविक तथा अजैविक घटक एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते रहते हैं या एक दूसरे के साथ संबंधित रहते हैं। प्रत्येक इकोसिस्टम, अगर हम इसकी संरचना देखें तो दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना है, अजैविक घटक तथा जैविक घटक। अजैविक घटक इकोसिस्टम के निर्जीव पदार्थों को कहा जाता है। अजैविक घटक के अंतर्गत हम जलवायु, जिसमें कि वर्षा, प्रकाश, वायु, तापमान इत्यादि को सम्मिलित किया गया है, कंसीडर करते हैं। इसके अतिरिक्त एडेफिक फैक्टर या मृदीय कारक, जिसके अंतर्गत सॉइल, सॉइल की पीएच, उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के मिनरल्स इत्यादि को कंसीडर किया जाता है, और इसके अतिरिक्त भू आकृति अथवा टोपोग्राफी को भी एबायोटिक फैक्टर या अजैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अजैविक घटक में ही विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थों को भी सम्मिलित किया जाता है। सजीवों को जैविक क्रियाएं करने हेतु अनेक प्रकार के अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, और ये अकार्बनिक पदार्थ पोषक तत्वों के रूप में उपस्थित रहते हैं। इन्हीं पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है। अकार्बनिक पदार्थ वृहत पोषक तत्व अर्थात मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अथवा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम तथा
सल्फर को कंसीडर करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। इसके अंतर्गत आयरन, क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, मॉलीबेडनम तथा बोरोन को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैविक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ जो कि सजीवों के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स इत्यादि भी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर से अपघटित होते हैं और पुनः जीवों को उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली है कि एबायोटिक घटक के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी अकार्बनिक पदार्थ एक चक्रीय प्रक्रम से गुजरते हैं, जिसे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम उत्पादक, तत्पश्चात उपभोक्ता एवं वहाँ से मुक्त होकर फिर पर्यावरण में ये अकार्बनिक पदार्थ घूमते रहते हैं। अतः इन पदार्थों का चक्र निरंतर चलता रहता है। जलवायवीय कारक किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रोड्यूसर्स व कंज्यूमर्स की संख्या का निर्धारण करने का कार्य करते हैं। इकोसिस्टम का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जैविक घटक अथवा बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत सभी सजीवों को सम्मिलित किया गया है। किसी भी इकोसिस्टम में पादप एवं जंतु एक साथ निवास करते हैं। पोषण व ऊर्जा प्राप्त करने की विधियों के आधार पर जैविक घटकों को हम प्रोड्यूसर्स या स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, कंज्यूमर्स अथवा विषमपोषी, जो अपने भोजन हेतु प्रोड्यूसर्स पर निर्भर रहते हैं, तथा डीकम्पोजर्स अथवा मृतोपजीवी में बांट सकते हैं। मृतोपजीवी अथवा डीकम्पोजर्स मृत कार्बनिक पदार्थों का विघटन कर ऊर्जा व पोषण प्राप्त करते हैं। सामान्यतः डीकम्पोजर्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कंज्यूमर्स या उपभोक्ताओं को भी पुनः उनके पोषण प्राप्त करने के तरीके के आधार पर प्राइमरी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर अथवा द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता तथा टॉप कंज्यूमर या चतुर्थ उपभोक्ता के रूप में बांटा जा सकता है। इस प्रकार इकोसिस्टम के विभिन्न घटक आपस में मिलकर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। इकोसिस्टम को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, मानव द्वारा निर्मित अथवा मैनमेड इकोसिस्टम तथा नेचुरल इकोसिस्टम या प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। मैनमेड इकोसिस्टम में इकोसिस्टम के समस्त घटकों का निर्धारण ह्यूमन इंटरफेरेंस या मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा किया जाता है, जैसे कि एक्वेरियम अथवा क्रॉपलैंड अथवा स्पेस इकोसिस्टम। जबकि नेचुरल इकोसिस्टम स्वतः प्रकृति के द्वारा बनाए गए पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। इन्हें पुनः जलीय या एक्वेटिक इकोसिस्टम, स्थलीय अथवा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बांटा जा सकता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत हम लैंड इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। जबकि जलीय इकोसिस्टम के अंतर्गत पुनः हम समुद्र जलीय अथवा समुद्रीय इकोसिस्टम तथा फ्रेश वाटर या स्वच्छ जलीय इकोसिस्टम्स को कंसीडर करते हैं। इस प्रकार इकोसिस्टम किस प्रकार से बन रहे हैं, इनको इस आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में अनेक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि घास के मैदानों या ग्रासलैंड्स के रूप में अथवा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के रूप में पाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वेटलैंड्स पाई जाती हैं तथा एक्वाटिक इकोसिस्टम भी उपस्थित है। एक्वाटिक इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के रूप में तथा समुद्रीय इकोसिस्टम के रूप में उपस्थित रहता है। भारतवर्ष में पाए जाने वाले फॉरेस्ट्स को उनमें होने वाली वर्षा तथा पाए जाने वाले वनस्पति के आधार पर पुनः
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट इत्यादि में विभक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में मरुस्थलीय इकोसिस्टम अथवा डेजर्ट इकोसिस्टम भी पाया जाता है। थार का रेगिस्तान इसका उदाहरण है। विभिन्न प्रकार के आर्कटिक व अल्पाइन टुंड्रा इकोसिस्टम भी यहाँ पाए जाते हैं तथा अनेक प्रकार के ग्रासलैंड्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इकोसिस्टम की संरचना के पश्चात इसके कार्य व इसके विभिन्न गुणों के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।